डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग ट्यूशन आशीष ऑनलाइन, दिस इज प्रेम। आज मैं आपको पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2021 के आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताने जा रहा हूँ। टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको आपके स्कूल से जानने हैं कि ये मदद आपको स्कूल के टीचर, स्कूल की अथॉरिटी 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे नहीं करेंगे, तो मेरे पास सारे स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं, मैं इसको अवेलेबल करवा सकता हूं, या फिर बहुत सारे चीजें। लेकिन ये बात आपको स्कूल से होने चाहिए, क्योंकि स्कूल ये बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बड़ी बात है कि आपको रिड्यूस्ड सिलेबस ट्वाइस, दो बार सीआईएससी ने सिलेबस को जो रिड्यूस किया है, इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है और एग्जामिनेशन में क्या आने हैं और क्या नहीं आने हैं, यह बात आपको आपके स्कूल के संबंधित सब्जेक्ट के टीचर बताएंगे ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं। तो यदि कुछ राज्यों में आईसीएसई अफिलिएटेड स्कूल खुल गए हैं, तो वहां पर ऑफलाइन मोड में टीचरों को इस बात की जानकारी देनी होगी, और यह जानकारी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट को देनी। अब जो बचे हुए चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज मार्किंग की व्यवस्था सीआईएससी ने कर ली है। फॉर एग्जांपल, आईसीएसई क्लास 10th में जीएसटी से 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मिनिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से महात्मा गांधी एंड फ्रीडम स्ट्रगल आईसीएसई क्लास 10th हिस्ट्री में अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं या फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो मिनिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन और मैक्सिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाए। तो यह बात आपको संबंधित सब्जेक्ट के टीचर सब्जेक्ट वाइज बचे हुए चैप्टर के मार्किंग स्कीम को बताएंगे, और यह चीज सीआईएससी ने देश भर के सभी आईसीएसई अफिलिएटेड स्कूल के टीचर और उनके कंसर्न अथॉरिटीज को प्रोवाइड कर चुका है। इसलिए यह बात आप अपने टीचर से जान लीजिए, और वह भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से। थर्ड पॉइंट कि 2018, 2019 और 2020 के आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के सब्जेक्ट टॉपर से मतलब है कि ऑल ओवर इंडिया का टॉपर नहीं, मसलन इंग्लिश 1 में या फिर इंग्लिश 2 में या फिर हिस्ट्री और सिविक्स में, ऐसे स्टूडेंट जो कि पर्टिकुलर रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त किए, मतलब 100 out of 100, उनकी कॉपी को स्कूलों को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये आंसर स्क्रिप्ट उन टॉपरों के फोटो स्टेट, पीडीएफ फॉर्म, डिजिटल फॉर्म या फिर स्मार्ट क्लासेस के थ्रू स्कूल के टीचर अपने स्टूडेंट को बताएंगे कि किस तरह से बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, और स्टूडेंट की गलतियां जो हुई है नहीं करने हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आउट ऑफ 100 70 या 60 मार्क्स लाए, तो उन्होंने कौन सी गलतियां की थी और टॉपर ने कौन सी क्वालिटी वाइज आंसर दिए जिसके आधार पर उन्हें 100 out of 100 मार्क्स मिले। ऐसे क्वेश्चन के आंसर स्क्रिप्ट विथ क्वेश्चन आपको दिखलाए जाने और ट्रेनिंग किए जाने हैं, तो यह भी स्कूलों के द्वारा प्रोवाइड किए जाने। फिर है कि सीआईएससी का एग्जामिनेशन मटेरियल, सीआईएससी ने अप्रैल से लेकर नवंबर तक यूट्यूब चैनल सीआईएससी के माध्यम से या फिर अपने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से या देश भर के सभी एफिलिएटेड स्कूलों को डायरेक्ट बहुत सारे स्टडी मटेरियल फॉर आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th भेजा है। ये मटेरियल 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के आंसर लिखने, टू द पॉइंट आंसर लिखने
यह भी बताता है कि कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है या कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं। अपने स्कूल के कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से डिमांड कीजिए कि इन स्टडी मटेरियल के आधार पर बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाए। फिर आपके पास लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है कि स्टूडेंट को हाउ टू राइट आंसर टू अ क्वेश्चन इफेक्टिवली। अब यहाँ पर इफेक्टिवली का मतलब यह हो गया कि स्टूडेंट को आंसर देने हैं तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो किस तरह से स्टूडेंट को आंसर देने हैं। यह CISE का स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है स्कूलों को कि जब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे तो कहाँ पर 1 वर्ड के आंसर लिख देने पर मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ICSE क्लास 10th में टोपोग्राफी में 6 फिगर ग्रिड नहीं आएगा, 4 फिगर ग्रिड वाले क्वेश्चन का एक आंसर 1 मार्क्स का होगा तो 1 वर्ड से 2 वर्ड मैक्सिमम या 3 वर्ड के फ्रेज में काम चल जाएंगे। इसी तरह से 1 लाइनर यानी 1 सेंटेंस में कहाँ पर आंसर कंप्लीट होने वाला है, कहाँ पर आपको फ्रेज में और क्लॉज में आंसर देने हैं ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से क्या आंसर लिखने हैं यह बताएंगे। और वर्ड लिमिट के बारे में भी स्कूलों को बताना होगा कि प्रत्येक चैप्टर में जितने भी मार्क्स दिए रहते हैं उन मार्क्स के हिसाब से किस तरह से किस क्वेश्चन के पर्टिकुलर वर्ड्स होंगे, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से वर्ड लिमिट डिसाइडेड होंगे। और इस डिसीजन को अगर स्कूल स्टूडेंट को बता देते हैं तो नो डाउट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल कितना भी रहे, स्टडी कैसे भी करें, 95% से ऊपर मार्क्स मिलेंगे, यह गारंटी है। और यह CISE सभी ICSE अफिलिएटेड स्कूलों को कहती है कि आप स्टूडेंट को इसी ढंग से 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ट्रेनिंग दे। इसके लिए एक थम्स अप बनता है, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो